हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एसी पैड फाउंडेशन के बारे में, जिसे आप HVAC फाउंडेशन भी कह सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी लेंथ 1.1 मीटर और इसकी हाइट 30 सेंटी है, 300 mm, और इसकी विड्थ जो है, इसकी चौड़ाई 500 mm है, 50 सेंटी। इस पर हमारे एसी की आउटर जो आएगा वो उस पर रेस्ट करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, 10 mm डाई की स्टील यूज़ हुई है, जिसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो 150 mm है। इस तरह से हम एक स्टील की चेयर बना लेते हैं। उसके बाद जो हमारी लेंथ एंड विड्थ है और हाइट, उसके हिसाब से हम शटरिंग बनाते हैं। फिर शटरिंग को लाकर साइड पर एज पर ड्राइंग जो है उसे मार्क करते हैं और शटरिंग को फिक्स करते हैं। और साइड में हम चैम्फर का भी यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, नीचे हमने प्लास्टिक स्पेसर यूज़ किया हुआ है, साइड में भी स्पेसर यूज़ किया हुआ है। ये 10 mm स्टील है और ये हमारी जो केबल आनी है उसके लिए हमने कंड्यूट्स ऊपर रखा है। ये चैम्फर हमारा, इस तरह से जितने भी HVAC फाउंडेशन हमारी आनी, जिस पे हमारा AC के आउटर जितने भी आने हैं, उसके हिसाब से हम फाउंडेशन कास्ट करते हैं। मेक श्योर जो हमारे कंड्यूट्स हैं वो कंक्रीट से पहले ओके होना चाहिए, यानी कहीं से टूटा ना हो, या फिर क्योंकि कंक्रीट के बाद प्रॉब्लम हो जाएगी, इस वजह से कंड्यूट्स को हम पहले कवर करते हैं ताकि कंक्रीट के टाइम कंक्रीट अंदर ना जाए, और फिर हम कंक्रीट के लिए प्रोसीड करते हैं। कंक्रीट के बाद कुछ इस तरह से हमारी फाउंडेशन दिखाई देती है। फाउंडेशन कास्ट करते वक्त कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो भी एक्टिविटी हमारी आने वाली है, नेक्स्ट एक्टिविटी, जैसे कि आपकी मेम्ब्रेन हो गई वाटरप्रूफिंग के लिए, फिर आपका इंसुलेशन बोर्ड जिसे हम रिजिड बोर्ड भी कहते हैं, या आप फॉर्म भी कह सकते हैं, जिसे हम हीट के लिए यूज़ करते हैं ताकि हीट ना हो फ्लोर हमारा, उसके बाद जियो टेक्सटाइल, फिर एग्रीगेट, इन सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद हमारे जो फाउंडेशन है वो मिनिमम 5 to 10 cm ऊपर होनी चाहिए। इस चीज़ का हम ख्याल रखते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा यह टॉपिक आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।